हाय फ्रेंड्स, आप भी किसी के बात सुन के जो है सो हमेशा टेंशन में रहते हो? अगर आपको कोई अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ कह देता है तो आप हमेशा टेंशन में रहते हो। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी कोई तकलीफ दे दे तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो। दोस्तों, तो आज की वीडियो केवल आपके लिए है। दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, दोस्तों आप केवल मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। आज इस वीडियो को अगर देखिएगा ना दोस्तों, तो वैसे व्यक्ति जो आपको केवल कष्ट देना जानता है, केवल आपको नहीं दोस्तों, वो सभी को कष्ट देना जानता है। अगर इस वीडियो लेक्चर को अगर आप देखिएगा दोस्तों, तो आप में इतना ज़्यादा एटीट्यूड भर जाएगा दोस्तों, जो ऐसे व्यक्ति को आप क्या समझोगे वो आप खुद जो है सो डिसाइड कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा आप केवल मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में जो है सो एक 500 का नोट है दोस्तों। ये 500 का नोट रहा और एक चिल्लर है दोस्तों, इसको चिल्लर ही बोला जाता है, जो एक केवल एक सिक्का है। अगर सपोज दैट दोस्तों, अगर इन दोनों अगर ये दोनों अगर मेरे हाथ से अगर गिर जाए दोस्तों, मान के चलिए मेरे हाथ से दोनों अगर गिर जाए, देखिए अगर दोनों गिरेगा तो आप बताइए जो है सो आवाज़ किस में होगा, इसमें होगा या इसमें होगा। अब दोस्तों, इसमें सोचने वाली क्या बात है, आप सीधा बोलोगे कि जब भी ये अगर सर ये दोनों अगर आपके हाथ में से गिरा तो फिक्स है कि चिल्लर का ही आवाज़ होगा, इसका तो आवाज़ नहीं होगा। इसका आवाज़ क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, बढ़ा हुआ है। और ये केवल क्या है दोस्तों? चिल्लर है। तो आप याद रखिए दोस्तों, आवाज़ उसका नहीं होता है जिसका वैल्यू जो है सो बढ़ जाता है। आप हमेशा अपने आप को जो है सो वैल्यू बढ़ाने का कोशिश कीजिए दोस्तों। और अगर आपके लाइफ में अगर कोई भी अगर आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचता है, हमेशा वो केवल आपके बारे में ही नहीं दोस्तों, हमेशा दूसरे के बारे में भी जो है सो बुराई करता रहता है, दूसरे के बारे में भी अच्छा नहीं सोचता है दोस्तों, तो वैसे व्यक्ति को किसके समान समझिए दोस्तों? इसके समान, चिल्लर समझ लीजिए दोस्तों। ये केवल चिल्लर है। और चिल्लर को कष्ट देने से क्या होने वाला है, समझ लीजिए कि अगर जो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसे हमेशा निगेटिव, हमेशा कोई हमेशा कभी भी अच्छा मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, तो दोस्तों वो केवल क्या है, चिल्लर है। उसको चिल्लर समझ के चलिए दोस्तों, ऐसा एटीट्यूड बना के रखिए दोस्तों। और दूसरा बात और दोस्तों, मान के चलिए फुटबॉल का मैच हो रहा है कहीं पे, तो आप अक्सर देखे होंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स रहता है आपको, और बहुत ज़्यादा ऑडियंस रहता है, प्लेयर्स रहता है और बहुत ज़्यादा ऑडियंस रहता है दोस्तों। तो आप अक्सर देखे होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल हल्ला हल्ला करता रहता है। कुछ ऑडियंस तो ऐसे भी होता है जो प्लेयर्स को गाली वाली भी देते रहते हैं दोस्तों, बहुत सारा कि वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता रहता है। लेकिन एक बात अगर इससे मैं एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूँ दोस्तों, कि कभी भी फुटबॉल का मैच आप देखे होंगे दोस्तों, तो फुटबॉल का मैच में कौन शोरगुल हल्ला कौन करता है दोस्तों? एक प्लेयर्स करता है या ऑडियंस करता है, आप ज़रा जो है सो बताइए मुझे। तो दोस्तों आप क्या बताइएगा दोस्तों, कि प्लेयर आवाज़ नहीं करता है, करता है तो कौन आवाज़ करता है दोस्तों? ऑडियंस। कितना ज़ोर ज़ोर से जो है सो हल्ला करता रहता है, कितना ज़ोर ज़ोर से जो है सो शोरगुल करता रहता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों। अगर आपके ज़िंदगी में जिस दिन सभी आदमी अगर शोरगुल अगर जो करने लगे ना, सबसे ज़्यादा शोर करने लगे ना, तो उस दिन समझ लीजिएगा कि अब मैं क्या बन गया हूँ, अब मैं खिलाड़ी बना हूँ दोस्तों। और वही आदमी आपको खिलाड़ी समझ रहा है दोस्तों, इसीलिए आगे पीछे बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, आपको शोरगुल कर रहा है दोस्तों। क्योंकि आप देखे होंगे कि ऑडियंस ही शोरगुल करता है, ऑडियंस ही शोरगुल करता है, प्लेयर नहीं शोरगुल करता है दोस्तों। अगर जिस दिन आपके ज़िंदगी में बहुत सारे लोग अगर आवाज़ करने लगे ना दोस्तों, तो उस दिन आप समझ लीजिएगा कि हम क्या बन गए दोस्तों, एक प्लेयर बन गए, बहुत बड़ा प्लेयर बन गए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और ऐसे व्यक्ति को जो है सो आप सबक अच्छा से जो है सो सिखाइएगा, और हमेशा अपने आप में जो है सो हमेशा एटीट्यूड में रहिए दोस्तों, हमेशा अपना दिल का बात जो है सो सुनिए, किसी दूसरे के बातों पर जो है सो ध्यान नहीं दीजिए दोस्तों। एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, कभी कभी अगर आप लोग असफल हो जाते हैं तो उससे भी जो है सो हार जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं दोस्तों, अमेरिका का जो 16वां राष्ट्रपति बना था, जिसका नाम था दोस्तों अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के बारे में जरा सोचिए दोस्तों, वो कितना असफल हुए, बहुत ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा गरीब थे और इतना असफल हुए, अगर उसके जगह पे अगर दूसरा आदमी रहता दोस्तों, तो वो आत्महत्या कर लेता। लेकिन तब पर भी वो जो है सो अपना हिम्मत नहीं हारा दोस्तों। और अब्राहम लिंकन पे एक और वीडियो लेक्चर मैं बना दिया हूँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कितना बार असफल हुआ है, तो इस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अपना एटीट्यूड जो है सो हमेशा बना के रखिएगा दोस्तों, और जो आपको कष्ट देता है उसको हमेशा चिल्लर समझिए दोस्तों। अगर इस प्रकार अगर आप समझ के चलोगे ना दोस्तों, तो आपको सफल होने में कभी भी कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों।
परमात्मा भी नहीं रोक सकता है आपको, आपको सफल होना है तो होना है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, आई मीन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मैं भगवान से प्रार्थना यही करूँगा दोस्तों, खुश रहिए, दूसरे को भी खुश रखिए दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।